नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी के डेली एनालिसिस वीडियो में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज एक्सपायरी था, हमने अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैंने मैसेज किया था कि 18,410 420 को मार्केट ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है और मार्केट उसको टच कर सकता है, टच करने के बाद नीचे आएगा। तो ये डेटा बेसिस पे हमने देख के बताया था, डेटा बेसिस पे ही संभव है, क्योंकि वहां पे हमारे जितने भी क्लाइंट थे, हमारे रिटेल ट्रेडर थे, वो क्या, वो पूरा बुलिश हो गए थे। यानी आप देखें कि 18,400 जो है उसके पास जब मार्केट चल रहा था, तो वहां पे जितने भी हमारे रिटेल ट्रेडर थे वो पूरा बुलिश हो गए थे, उनको लग रहा था कि मार्केट यहाँ से हाई ब्रेक कर दिया। लेकिन वो क्या किए, थोड़ा सा 18,410 के ऊपर लेके गए वहां पे 420 416 का, और वहां पे उनको सारे वो जो स्टॉप लॉस था उनको समझिए कि हिट कराया, पुट जो उन्होंने बाई किया था, और फिर मार्केट में सीधा लेके नीचे आ गए, सीधा मार्केट लेके नीचे आ गया उनको। तो ये डेटा बेसिस पे कैसे संभव है, हम पहले प्राइज एक्शन पर देख लेते हैं कि प्राइज एक्शन हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है अभी जो कल फ्राइडे है 18th को, और फिर हम डेटा बेसिस पे देखेंगे। तो चलिए मैं आपको प्राइज एक्शन पे लेकर चलता हूं। यहां पे आप देखें तो दोस्तों, मैं बहुत ही कम इंडिकेटर यूज करता हूं, ओनली दो इंडिकेटर यहां, VWAP और VWAP। तो आप देखें पूरे दिन मार्केट इसके ऊपर ही चलता रहा, और एक वॉल्यूम है जो आपको एवरेज से यहां पे नीचे था, यानी ये वैल्यू में यही इंडिकेट कर रहा था कि यहां पे बड़े प्लेयर जो है वो आपको बाय नहीं कर रहे, उनकी बाइंग की जो है वो कॉलम नहीं आ रहा। और जैसे ही यहाँ पे उसने ब्रेक किया VWAP को, फिर मार्केट देखिए एक अच्छे खासा 15 मिनट में एक ही कैंडल में, दो कैंडल में पूरा, और जो आज का सबसे लो था उसको ब्रेक कर दिया। आप यहाँ पे देखें ये हाई को बिल्कुल नहीं ब्रेक कर रहा था, नहीं 18,410 जो हमने दिया था उसको बिल्कुल ब्रेक नहीं कर रहा था। मार्केट यहाँ पे जब भी जा रहा था तो सेलिंग वहां पे प्रेशर क्रिएट हो रहा था, हर एक वॉल्यूम पे यहाँ पे सेलिंग, देखिए हर एक कैंडल में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा था। तो आप अगर प्राइज एक्शन को डेटा के साथ मैच करेंगे ना, प्राइज एक्शन को भी अगर अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, एक बार मार्केट VWAP के पास आएगा, क्योंकि VWAP से थोड़ा सा दूर हो गया अभी मार्केट, 400 जो 18,340-43 पे क्लोजिंग दिया है, VWAP 375 है, तो हमें लॉन्ग कितना 300 के ऊपर, फ्रेश लॉन्ग कहीं 400 के ऊपर होना है। फ्रेश लॉन्ग 400 के जब तक ऊपर नहीं चलता है तब तक हमें लॉन्ग नहीं होना निफ्टी में, और ऊपर में हमारा टारगेट आपको 480 का हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर टारगेट लिख रखा है कि जैसे ऊपर जाता है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों जो है 18,400 के ऊपर हमें लॉन्ग होना है, टारगेट हमारा 480 के पहला और 540 का और 620 का। लेकिन कल का हमें सेंटिमेंट बेयरिश दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ये VWAP के नीचे क्लोजिंग दिया है, VWAP और VWAP दोनों के नीचे जो प्राइज एक्शन के साथ, और एक इंपोर्टेंट जो हमारा 18,350 का जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया है। आप ये देखें तो 18,350 का जो भी सपोर्ट था उसको क्या किया है निफ्टी ने, ब्रेक कर दिया है। तो बिल्कुल अभी निफ्टी में आपको ऊपर चल के सेलिंग प्रेशर ही आएगा। ये देखें स्विंग, इस स्विंग को आपको पूरे 2-3 दिन से ब्रेक नहीं कर रहा था, लेकिन आज एक वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है और कैंडल क्लोजिंग उसके नीचे ही दिया। तो ओवरऑल यहाँ पे निफ्टी का जो है वो प्राइज एक्शन हमें बेरिश इंडिकेट कर रहा है, उसको हम डेटा पे भी मैच करेंगे। तो 100 नंबर 200 आपको कहिए 330 है, यहाँ से 30-40 पॉइंट को और हमें देखना है थोड़ा सा, यहाँ पे ये वाली स्विंग को, ये स्विंग देखिए, इस स्विंग के नीचे जब आएगा तो हमें शॉर्ट हो जाना है इस स्विंग के नीचे, यानी 280 कहिए, यहाँ से टारगेट हमारा 180 का और 18,100 का और 18,000 का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप निफ्टी का देखें तो यहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू ये आपको 4.31 आपको देखिए हिस्टोरिकल निफ्टी का दोस्तों, ये आपको डेली बेसिस पे आता है। आप देखें जो 6 तारीख था इसके बाद से अभी आपको 4.31 आ गया है। तो जैसे मार्केट अभी देखिए पूरा यहाँ पे क्या है 4.2 4.3, ये जब जब भी आया है ना वो नीचे, तो इसके क्या है बिल्कुल 4.3 4.4 4.2 से ही 2.7 से ही गिरना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो ये 5 तारीख है, यहां से मैं 5 आपको 2 महीने का डेटा लेता हूँ, 5 अगस्त में करता हूँ, 5/11 को मैं कर लेता हूं दोस्तों। तो यहां पे आप देखें लगभग 5 अक्टूबर से मैं लेता हूं, और यहां पे आप देखें 6 अक्टूबर, यहां पे 6 अक्टूबर तो था ही दोस्तों, 5 अक्टूबर नहीं, यहां पे 5 सितंबर मैं करता हूं, तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन और मिल जाएगा मार्केट में। देखिए यहां से 5 सितंबर से डेटा आएगा, जब भी ये 4.3 4.21 के पास आया है ना तो क्या हुआ, गिरावट यहां है। आप देखें 4.1 यहाँ पे आया था 4.3, फिर इसके बाद क्या है मार्केट नीचे गया 27 सितंबर में, आप देखिए फिर 4.2 4.7 तक आ गया। तो हिस्टोरिकल डेटा में आपको ये क्यों दिखा रहा हूं,
क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि जब भी हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू 4.2 के ऊपर जाता है तो मार्केट वहां पे क्या ओवर, आपको ये ओवरबॉट हो जाता है, यहाँ पे देखेंगे पूरे 4.3 4.21 के पास आ रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू हमें एक बार इंडिकेट यही कर रहा है कि मार्केट में यहाँ से थोड़ा सा नीचे करेक्शन आना चाहिए। अब हम एक बार बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। इसके साथ देखिए दोस्तों, निफ्टी में हम ऑप्शन चेन भी एक बार कैलकुलेट करते हैं फिर बैंक निफ्टी में चलेंगे। तो ऑप्शन चेन में भी हमें यही इंडिकेशन मिल रहा है इस एक्सपायरी का, जो मंथली एक्सपायरी है, कि कॉल साइड आपको देखिए यहाँ पे लगभग पोजिशन आपको 6 लाख पोजिशन बनाया गया, 6,18,000। अब पुट साइड सिर्फ 3 लाख पोजिशन फ्रेश बना है, यानी ओवरऑल कॉल साइड में 13 लाख जो है 69,000, 13,69,000 और 12 लाख जो है 28,000, 0.90 का हमारा क्या है अभी पीसीआर है। तो पीसीआर भी हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर या फिर बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाना चाहिए, पीसीआर बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल है। लेकिन बाकी और हमारा जो फैक्टर है 18,350 के पास अगर हम बड़े प्लेयर का पोजीशन देखें तो यहाँ पे देखिए कॉल साइड ये पोजीशन बैठा दोनों, आप देखिए 18,350 में यहाँ पे क्या है 180 नंबर है, जबकि यहाँ पे ये नंबर आपको 68 है, यानी यहाँ पे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि बड़ा प्लेयर कॉल साइड में है। क्योंकि ये आपको जो नंबर है ना वो आपको COI को हमने NT से जब डिवाइड किया है तो ये नंबर आपको निकल के आया है दोस्तों। ये NT क्या है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, सपोज दैट कि अगर कोई बड़ा प्लेयर वहां पे बाई करना जाएगा तो वो क्या करेगा, एक ट्रेड में आपको 1,000 क्वांटिटी ट्रेड करेगा, 1,000 क्वांटिटी बाई करेगा, तो आपका COI/NT उसका क्या होगा 1,000 होगा, ठीक है। तो ये बड़ा नंबर आपको निकल के आया। अगर मैं एक छोटा प्लेयर बाई करने जाऊंगा तो एक ट्रेड में वन नंबर ऑफ ट्रेड्स में कितना 100 क्वांटिटी बाई करूंगा तो मेरा कितना होगा 100/1 यानी आपको 100 नंबर होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या है, ये बड़ा प्लेयर से आपको ये नंबर निकल के आ रहा है, ये आप आखिर मुझे यहां तक पता चल रहा है कि आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप देखें कि दोनों साइड अगर आप डिसाइड करेंगे तो ये पूरे जो फैक्टर हैं ये निकल के आ रहे हैं कि बड़े प्लेयर जो आपको कॉल साइड एक्टिव है और क्या कह रहे हैं, वो शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं कॉल को, और हमें ये IV भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। और डेटा में हमें बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों यही इंडिकेशन कर रहा है, देखिए कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में वो बाई कर रहे हैं पुट को, कॉल को राइट कर रहे हैं। तो ये डेटा बेसिस में हमें इंडिकेशन मिल रहा है। तो इस प्रकार हमें आपका प्राइस एक्शन भी यही मैच कर रहा है। तो ओवरऑल आपको 18,350 के ऊपर देखें तो 51,000 पोजीशन आज फ्रेश बना हुआ है, 51,000 जो कि 1,08,000 में 50% आज का पोजीशन है। और यहाँ पे 18,350 और 18,000 सबसे ज्यादा पोजीशन आपको 18,300 में है, कहीं भी इन द मनी आपको जो है वो पुट साइड पोजीशन नहीं बन रहा है, यहाँ पे पोजीशन क्लोज है, जबकि आप यहाँ पे देखें कि पुट साइड ये 27,000 और यहाँ पे भी पोजीशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ओवरऑल यहाँ से मंथली एक्सपायरी का डेटा हमें अभी स्लाइटली बेयरिश इंडिकेशन दे रहा है। अब एक बार हम इसको बैंक निफ्टी का भी डेटा देख लेते हैं फिर प्राइस एक्शन को मैच कर लेंगे। तो बैंक निफ्टी में अभी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों और इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ये सीट ऑटोमेटेड है, देखिए ऑटो में बैंक निफ्टी का डेटा यहाँ पे आ जाता है पूरे ऑटो में। तो बैंक निफ्टी का डेटा अगर मैं मैच करूं तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी में भी देखें जो बड़ा नंबर है कहाँ पे, ये बिग नंबर आपको यहाँ पे 159 जबकि वहां पे 135, ये ATM के पास 137 वहां पे 74 ये नंबर देखें, और ये पूरा आपको जो है आपको ATM के पास बड़े प्लेयर राइट कर रहे हैं कॉल को बड़े प्लेयर। तो मैक्सिमम आपको चांसेस जो 42,500 अभी चल रहा है 42,500 इसके पास राइटर जो है वो आ गए हैं अभी कॉल साइड में, देखिए यहाँ पे 32,000 और 43,000 पे भी 32,000 पोजीशन ये बन रहा है, बाकी ये जो पुट साइड पोजीशन है वो नीचे बन रहा है, देखिए 42,000 के पास 41,500 पे यहाँ पे आपको हो रहा है। तो मार्केट में ये डेटा हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ से स्लाइटली आपको 42,000 तक के 41,500 की तरफ खिसक सकता है, क्योंकि ये ATM के पास से इन द मनी आप देखें तो कहीं पे भी इनका बड़ा पोजीशन नहीं बन रहा है, जबकि यहाँ पे इन द मनी पोजीशन आपको एक अच्छा खासा बन रहा है। तो ये डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है। चलिए दोस्तों अब इसको हम बैंक निफ्टी को प्राइस एक्शन पे देख लेते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी के अगर प्राइस एक्शन में हम देखें तो बैंक निफ्टी आपको लॉन्ग होना है VWAP के ऊपर ही, क्लोजिंग दिया है ये भी नीचे दिया है, आप ये देखें VWAP जो आपको 42,450 है लेकिन VWAP आपको 42,480 है, तो जब तक 450 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है
यानी 42,485 के बाद भी 30-40 पॉइंट के ऊपर एक कैंडल जब बन जाएगा, यानी इस स्विंग का ये स्विंग को जब ब्रेक कर देगा और वहां पे कोई एक कैंडल बनता है तो ही हमें लॉन्ग होना है। टारगेट हमारा 42,650 का और 42,900 का, यानी 42,900 का टारगेट रहेगा, ठीक है बैंक निफ्टी में। तो हमें एक बार वेट करना है, कल इस स्विंग को ब्रेक करने देना है, इस स्विंग के ऊपर 42,000 यानी कहिए 550 के ऊपर जब एक कैंडल फॉर्मेशन दे देगा तो हम वहां पे फ्रेश लॉन्ग होंगे और हमारा स्टॉप लॉस 42,550 यानी 540 का हो जाएगा, ठीक है। अब हमें शॉर्ट होना है 42,380 के नीचे, अभी 458 चल रहा है, 380 यहाँ से 100 पॉइंट, यानी ये स्विंग का ये इस स्विंग को, अब देखिए इस स्विंग के ऊपर जो है वो ब्रेक नहीं किया, तो आप इसमें हमें आपको क्या है स्कैल्पिंग करना है इसमें, और हमारा जो फ्रेश लॉन्ग और शॉर्ट का हमने आपको टारगेट बता दिया है, 42,380 के नीचे टारगेट हमारा 42,200 का और 42,000 का टारगेट हो जाएगा। ओवरऑल इस लेवल पे हम ट्रेड करेंगे। एक बार हम बैंक निफ्टी का भी आपको प्राइस टू बुक वैल्यू देख लेते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे 5-9 के जगह 10 के जगह 5-9 कर लेता हूँ, क्योंकि एक महीना पहले का भी मैं डेटा ले लेता हूँ। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, और इस फैक्टर को जो आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि जब भी इसका जो 2.5 हाई के ऊपर से आया है 2.65, 2.69, आप इसको जाके इस देख सकते हैं 15 सितंबर आपको 16 सितंबर का डेटा, यहाँ पे बैंक निफ्टी बिल्कुल गिरा होगा आपको 15-16 से 20 सितंबर के बीच जो है वहां से बैंक निफ्टी में एक गिरावट आई होगी। मैं आपको एक बार प्राइज एक्शन पे उसको दिखा देता हूँ जिससे आपको कन्फर्म हो जाएगा, या फिर आप जाके चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल ही बैक टेस्टेड है। तो आप अगर वन डे के चार्ट पर देखें 15 सितंबर का, तो आपको ये पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी में गिरावट आया है कि नहीं, आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, बिल्कुल बैंक निफ्टी में गिरावट आया होगा और बैंक निफ्टी 15 सितंबर के बाद का डेटा में नीचे आ गया होगा, बैंक निफ्टी नीचे आया है। तो ओवरऑल ये हमारा जो लेवल है अभी उसी लेवल के पास चल रहा है, आप देखें 2.80 आ गया है दोस्तों, उससे भी ज्यादा हो गया, यानी 2.65 से भी ऊपर 2.80 2.75 अभी चल रहा है। तो ये बैंक निफ्टी का जो है प्राइस टू बुक वैल्यू ये दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी में ओवर बोट है, यहाँ पे और ज्यादा ऊपर जाने का इसके पास जो है वो स्पेस बहुत कम है, ये डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है। तो एक बार बैंक निफ्टी में नीचे आपको 1000 पॉइंट गिरावट हो सकता है, 1000 पॉइंट एक बार नीचे आएगा फिर वहां पे हम एनालिसिस करेंगे। तो ओवरऑल डेटा बेसिस पे भी हमें यहाँ से बेयरिश इंडिकेशन हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि FII ने लगभग 618 करोड़ का देखिए यहाँ पे बाइंग किए हैं, DII ने थोड़ा सा बाइंग किया है, यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे लाके उन्होंने थोड़ा सा बाइंग किया है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, तो लोग भाई 1000 करोड़ की बाइंग है, तो इसको हम बिल्कुल स्लाइटली आपको जो है वो बुलिश मानेंगे। अब हम एक बार आपको टेलीग्राम चैनल पे लेकर चलते हैं दोस्तों। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे आज लास्ट में अपडेट दिया था कि बाय 18,500 पी टारगेट 110-120 SL72 क्लोज पोजिशन है, और फिर मैंने 300 का जो सी दिया तुरंत, देखिए यहाँ पे पोजिशन मैंने 1:45 पे पुट का पोजिशन क्लोज करवाया, और फिर वहां पे मैंने कॉल बाइंग कराया और टारगेट 110-120 SL हिट आपको वहां पे मैंने इसको क्लोज किया, बाई 18,400 का कॉल मैंने फिर बाई कराया 0 to 0 के लिए टारगेट में, और वो देखिए बिल्कुल हिट किया टारगेट एट 10 टारगेट 25-30 42,500 का क्लोज मैंने आपको सी 52 तक गया, 52 जो 42,500 का 52 पे मैंने बाई करवाया आपको बैंक निफ्टी का टारगेट 90-120 आपको 90 तक 120 तक गया आप देख सकते हैं। बाकी मैं प्रीमियम ग्रुप में आपको 18,400 का मैंने पुट दिया था दोस्तों पी बाई करने के लिए 15 रुपए में, टारगेट हमारा 30 था और वहां तक 50 का लगाया था, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट देख लूंगा भेज दूंगा आप देख लीजिएगा। तो ओवरऑल ये सब सारी चीजें हम डेटा बेसिस पे देखते हैं, कौन से डेटा पे आप ये जो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन टेस्ट का डेटा है, और दोस्तों लाइव मार्केट में जो हम ट्रेड करते हैं उसका भी डेटा है, लाइव मार्केट का डेटा हमको इंडिकेट कर देता है कि मार्केट में क्या रहने के चांसेस है। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूं डेली एनालिसिस में जो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन टेस्ट का डेटा है, क्योंकि लाइव मार्केट का डेटा अलग होता है और आपको एंड ऑफ द डे का डेटा अलग होता है, तो हमें वो आपको एनालिसिस करने आना चाहिए कि डेटा हमें कैसे इंडिकेशन कर रहा है और कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना है। तो अभी शायद आपको 17th का डेटा नहीं आया है, एनएससी का अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि आज एक्सपायरी है इसलिए डेटा थोड़ा लेट हो सकता है जो हमारा ये पार्टिसिपेंट वाइज ओपन टेस्ट। तो दोस्तों ये जैसे ही डेटा आता है मैं आपको अपलोड करूंगा, और बिल्कुल अपने टेलीग्राम चैनल पे भी और अपने कम्युनिटी पे एक जो है शॉर्ट वीडियो पोस्ट कर दूंगा जहां से आप जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन का प्रेस करके रखिए ताकि लेटेस्ट और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों बहुत ही जेन्युइन चैनल है, अगर आपको कुछ भी चीजें नहीं समझ में आता है तो मेरा चैनल पे नंबर है, मेरा कम्युनिटी टैब पे नंबर है, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैं ही फोन रिसीव करता हूं और मैं 100% उसके आंसर दूंगा। तो दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर बाय सेल या होल्ड ऑप्शन क्रिएट ना करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लें, उन्हीं के सलाह पे बाय सेल करें। दोस्तों आप मेंबरशिप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखें कि मैं मेंबरशिप के लिए जो है एक अच्छा खासा स्टॉक्स देता हूँ, आप पूरे स्टॉक्स मैं अभी दिखा रहा हूँ उसका टारगेट, और आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या दिखा रहा है और वो पूरे मैक्सिमम टारगेट आपको हिट हुए। आप देखें ये बाय ग्लोबल ने टारगेट दिया था, टार्क का, रेडिको खैतान, कन्फीफेट का, आपको नेट्रोविन, तो ये आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम चार्जेस है यहाँ पे, जिससे एक अच्छा खासा जो स्टॉक में ट्रेड करते हैं उनको भी मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।